दिस इज साक्षी गंजन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम गोइंग एट न्यू प्लेस टुडे. कोई नई जगह कवर करने जा रही हूँ. बेसिकली कहाँ जा रही हूँ मैं? बेसिकली आप लोगों ने बहुत सुना होगा ये रेस्टोरेंट बहुत फेमस है तिब्बत कॉलोनी में, तो मैं उस रेस्टोरेंट को कवर करना जा रही हूँ. मैं उस रेस्टोरेंट हालांकि बहुत बार गई हूँ बट दिस इज रियली फर्स्ट टाइम कि मैं उस रेस्टोरेंट को एक्चुअली मैं कवर करने जा रही हूँ और आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ वीडियो के थ्रू. प्लस अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो. अभी मैं दिल्ली में ही हूँ क्योंकि मैं दिल्ली मतलब मेरे एग्जाम्स हैं, मेरे रीअपेयर है एस्ट्रोलॉजी के एग्जाम्स में. सो विश मी ऑल द बेस्ट अभी तक जिसने नहीं करा, और बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना सब्सक्राइब करने के बाद, बिकॉज अभी थोड़ा सा वॉच टाइम रहता है यार, अभी मोनेटाइज चैनल नहीं हुआ है. सो हेल्प मी टू मोनेटाइज एंड शेयर द वीडियो. सो फाइनली पार्क द कार मजनू का टीला के सामने. अंकल आप टॉयलेट कर रहे हो, वहाँ पर वहीं से निकलना है. मैं आपकी तरफ नहीं देखती, मैं कबूतर उड़ाते हुए चली जाती हूँ. उड़ जाओ सारे, वेरी नाइस. सो पता है मजनू के टीला पे पार्क करने का प्रोग्रेस मतलब वो क्यों? क्योंकि अगर आप पार्किंग ढूंढ रहे हो अम्मा कैफे के आसपास, सो देयर इज समथिंग वेरी नेगेटिव कि वहाँ पर जो पार्किंग है वो ऑलमोस्ट फुल रहती है, नंबर 3 गेट के पास है. और उसके अलावा वो आपकी चाबी रख लेते हैं गाड़ी की, विच इज़ लाइक कि एक दो बार तो मैंने सुना है कि गाड़ी टक्कर भी खा चुके किसी और गाड़ी से और मेन रोड से गाड़ी उठ जाती है. हम तो पहले मैं अर्ली मॉर्निंग मजनू का टीला कैफे जाती थी सिर्फ वाइब्स लेने पहाड़ों की, मतलब मस्त कैफे जाती थी. सो इट्स गोना टेक लाइक 10 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस. ऑलरेडी मैंने अपने एक फ्रेंड को बोल दिया कि मुझे वही मिल लो डायरेक्टली, सो लेट्स जस्ट गो. So guys, over there is a mask cafe. Let's just go. Well, there is mostly the waiting thing, so you have to wait most of the time. हाँ, वेडिंग रूम ऊपर से नीचे है. Around here, so you have to wait like 25 minutes. Really a mess. Why you have to wait always when I came here? ऐसा होता है आने के बाद. But you know, again the people actually come here for the vibes of Pahad. Have you been here? Comment करके बताओ मुझे फटाफट से. So guys, ये जगह पूरी 4 floors में divided है and I got the place of sitting at 4th floor. Okay. I told you so कि ये जगह पूरी भरी होगी. तो ये गाइस मेरे फ्रेंड है मैडी. आजकल भैया इतनी वेटिंग रह गई आपके यहाँ पे, इतनी वेटिंग होती है, इतनी ज्यादा वेटिंग ही होती है अब. ये कम है या ज्यादा है? संडे हेडे तो बैठने की जगह नहीं मिलती होगी लोगों को. So you simply have to scan the menu like this and the menu will appear. But yeah, the net slow ho jata hai aage. So 3, 2, 1 and it's here, it's asking for the number. They're gonna put the number. So that's the menu. Abhi kya? Abhi jo chini. Ha? एंड यू मतलब क्या गरम कोट आ रहा? गरम कोट गरम कोट. सो यू आर प्लानिंग टू गो वॉशरूम, तो वॉशरूम पूरा डिफरेंट बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग से आप ऊपर चलते हो. और इफ यू आर अ सुट्टा पर्सन दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली हैव द सुट्टास. So that's the market and ये जगह आप ऊपर आते हो उस जगह से इस जगह तक. And that's the second floor I'm on in. मतलब यहाँ पे 4 floor है, अभी मैं 2nd floor पर हूँ. I'm on the 2nd floor right now. So guys, just ordered this blueberry वाला drink and this is really awesome.
इसका टेस्ट लिटरली बहुत बहुत अच्छा है. एंड विद दिस व्यू एंड विद दिस वाइब द प्लेस इज एक्चुअली मैंने देखो ये प्लेस कैसी लगती है, जगह कैसी लगती है, और काफी कुछ ट्राई किया जो की बहुत अच्छा रहा. पिज्जा तो अमेजिंग है, ट्रस्ट मी. सो गाइस द फैंटास्टिक फैक्ट अबाउट हिम, दे हैव द किचन्स ऑल ओवर, लाइक यहाँ पर भी है, नीचे फ्लोर पर भी है, ग्राउंड फ्लोर पे भी है. ग्राउंड फ्लोर पे आपकी मतलब ड्रिंक्स प्रिपेयर होती हैं, यहाँ पे ब्रेड्स का है, मतलब नीचे वाले फ्लोर पर ब्रेड का है, यहाँ पर आई एम नॉट श्योर, यहाँ पे शायद ब्रेड ही है, यहाँ ब्रेड है एक्जैक्टली. तो नीचे वाले फ्लोर पर किचन है, इनके हर फ्लोर पर किचन है और ऊपर वाले फ्लोर पर भी आपकी किचन ही है. सो यू नो दे हैव द फोर किचन एक्चुअली, मतलब एक दो तीन चार पाँच किचन, पाँच क्योंकि वेटिंग एरिया में भी इनका किचन पॉइंट है. So that's actually my favorite sandwich from the Amas Cafe. And जो कि मैडी खिला रहा है मुझे आज. मैडी कुछ परेशान है बेचारा, जब से आई है तब से फोन में काम करने लगी हुई, बट क्या करूँ, काम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. लेट्स इन्जॉय द सैंडविच इज एक्चुअली विद द मशरूम. मैं बोल रही हूँ कि मैं जब से आई हूँ तब से फोन में लगी हुई हूँ, तुम चुप करो. So that's the place yahan se aapki entry hoti hai, and they have the choices for this as well. And I'm gonna take a cake for home, not the red velvet this time. They have the multigrain atta bread as well. Okay, they have the cookies and other things as well. So I'm gonna take the multigrain atta bread for the home. मैंने पीसेस में ट्राई नहीं कर डिवाइड क्यों कर रखी. सो जब आप निकलोगे तो थैंक यू एंड द विजिट अगेन का मार्क दिखेगा. एंड यू कैन मतलब जस्ट गेट द ब्यूटीफुल लाइक स्ट्रीट क्लोथ्स यहाँ से, बहुत चीप मिलते हैं यार. अगर आप लोग जनपद और इन सब के फ़ैन हो ना तो उसकी जगह आप यहाँ आ सकते हो, यहाँ ज़्यादा चीप क्लोथ्स है स्पेशली गर्ल्स के लिए. तो बहुत ही गर्ल्स लव दिस काइंड ऑफ टॉप्स एंड ऑल. सो नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ मैं जा रही हूँ, लैपिंग खाने. लगता है कि आप लोगों को पता है लैपिंग जो है वो तिब्बतन की फेमस डिशेज में से है, कि यहाँ पे एक आंटी बैठती है जो बहुत सेक्सी लैपिंग खिलाती है, बहुत सही लैपिंग है उनकी. डिपेंड करता है यार, ये बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल नहीं होते ये मैंने लिए हैं. सो डिपेंड करता है वो बैठी हो कि नहीं बैठी हो, बट उनकी लैपिंग इज ऑसम. So hair is reaching at this point. So lapping कुछ इस तरह से लगती है guys. ये सोयाबीन है और ये उस तरह से फोल्ड हो गई. And it's like ये बहुत लाइक मिर्ची वाली होती है. And it's like ध्यान से कितना स्पाइसी है ये. हाँ क्या लाइक मोमोस ही है, वैसे स्पाइसी है उसके सॉस जितना स्पाइसी है. ये सारे आर्टिकल तुम लोगों को सिक्किम भी देखने को मिलेंगे तुम ट्रैवल करते हो तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और अभी तक बने रहने के लिए, और भूलना मत लाइक करना.